नमस्कार। आदर्श हिंदी रचना कक्षा 3 का जो ये अभ्यास है, आज हम करेंगे संज्ञा शब्द। भगवान श्री राम महाराजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों अयोध्या के लोगों को अत्यंत प्रिय थे। संपूर्ण नगर उनकी सुंदरता देख देख कर प्रसन्न होती थी। राजकुमारों के बचपन की क्रीड़ाओं को देख देख कर राजा अपने बुढ़ापे को भूलकर बचपन में खो जाते थे। चारों की शिक्षा प्रारंभ हुई। वेदों के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाने लगी। राम धनुष बाण चलाने में प्रवीण हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें राक्षसों के आतंक के बारे में बताया। राम ने राक्षसों को इस धरती से नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। राम ने रावण तथा उसके भाइयों का वध किया। आगे जो ये दिया हुआ है इस अभ्यास से आपके जो ये अभ्यास के प्रश्न है, उपयुक्त खंडों में गहरे काले छपे शब्दों को लिखिए। जैसे ये है ना, भगवान श्री राम महाराज दशरथ पुत्र, जो ये गहरे काले अक्षरों में लिखे हैं उन अक्षरों को छांट के क्या लिखना है आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है भगवान श्री राम महाराजा दशरथ पुत्र भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में प्रश्न 1 के उत्तरों में से उनको छांटिए जो प्राणी व्यक्तियों से संबंधित है, व्यक्तियों के नाम से संबंधित है, अर्थात संज्ञा का जो वेद है व्यक्तिवाचक उससे संबंधित है, उनको लिखना है। जैसे श्री राम दशरथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न महर्षि विश्वामित्र रावण, ये क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। आगे देखिए हम करेंगे, ऐसे शब्द छांटिए, छांट कर नीचे लिखिए जो किसी वस्तु का बोध करे। किसी वस्तु का बोध कैसे करते हैं, वेद अस्त्र शस्त्र धनुष बाण, ये क्या करवाते हैं, किसी वस्तु का बोध करवाते हैं। उन शब्दों का नाम लिखिए जो जिनसे किसी स्थान का बोध होता है। स्थान का बोध कराने वाले कौन होते हैं, जैसे नगरी अयोध्या, ये क्या करते हैं, स्थान विशेष का बोध कराते हैं। उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे किसी गुण दशा व अवस्था का बोध होता है, जैसे बचपन बुढ़ापा सुंदरता प्रसन्न, ये क्या है, गुण दशा का बोध कराते हैं, अर्थात भाववाचक संज्ञा है। अब इस भाग में सभी उत्तरों को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन उत्तरों में से प्राणी स्थान वस्तु गुण दशा अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब आप आसानी से संज्ञा की परिभाषा लिख सकते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं यहाँ लिखना है, जैसे किसी प्राणी वस्तु व्यक्ति स्थान गुण दशा या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अपने उत्तर में तुलना में नीचे